गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए, तो जो कंसोलिडेशन का हमारा चैप्टर शुरू हमने कर रखा था, उसमें इंड एस 110 फिनिश हो चुका था, इंड एस 28 भी हमारा हो चुका है। लास्ट क्लास में हमने इंड एस 28 ही खत्म किया था। चलो आज शुरू करते हैं एक और इंड एस, जिसका नाम है इंड एस 111। इंड एस 111, और ये है ज्वाइंट अरेंजमेंट। इसका नाम है ज्वाइंट अरेंजमेंट। ज्वाइंट अरेंजमेंट, ठीक है? तो जब होल्डिंग हमारा शुरू हुआ था कंसोलिडेशन, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 इंडेस आपको पढ़ने हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में। नंबर 1 हमने इंडेस 27 पढ़ा था, फिर इंडेस 110 हमने पढ़ा, फिर इंडेस 28, अब इंडेस 111। एक और इंडेस है, इंडेस 112, वो हमको और पढ़ना है, जो डिस्क्लोजर के लिए होगा, ठीक है? उसके बाद ये पूरा आपका जो एक चैप्टर था वो खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं ज्वाइंट अरेंजमेंट। ज्वाइंट अरेंजमेंट किसको बोलेंगे? उससे पहले मैं बताऊंगा ये इंडेस किन पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी किन एंटिटीज के ऊपर। तो लिखेंगे दिस इंडेस इज अप्लाइड बाय ऑल दोज एंटिटीज दैट आर पार्टी टू ए ज्वाइंट अरेंजमेंट। अगर कोई एंटिटी ज्वाइंट अरेंजमेंट में पार्टी है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये इंडेक्स लगेगा 111, ठीक है? नंबर 2, तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है कि ज्वाइंट अरेंजमेंट है क्या, है व्हाट इज ज्वाइंट अरेंजमेंट। तो लिखेंगे ज्वाइंट अरेंजमेंट मींस एन अरेंजमेंट ऑफ विच टू और मोर पार्टीज हैव ज्वाइंट कंट्रोल। अगर किसी अरेंजमेंट का कंट्रोल दो या दो से ज्यादा पार्टी के पास है तो वो अरेंजमेंट ज्वाइंट अरेंजमेंट कहलाती है। अब सवाल यहां पर ये उठता है व्हाट इज अरेंजमेंट। तो यहां पर अरेंजमेंट का मतलब है एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसको हम अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है? जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एसेट, प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स, रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, मेकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल दीज आर कॉल्ड अरेंजमेंट हियर। इफ ऑन दीज अरेंजमेंट टू और मोर पार्टीज हैव ज्वाइंट कंट्रोल देन सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड ज्वाइंट अरेंजमेंट। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर कोई एंटिटी है उस एंटिटी को दो या दो से ज्यादा पार्टी अगर कंट्रोल कर रही हैं
तो वो एंटिटी कहलाती है ज्वाइंट अरेंजमेंट या ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी। अब सवाल उठता है कि ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब क्या है। तो कंट्रोल का मतलब तो आप समझते हो, इंडियाज 110 में आपने डिटेल में पढ़ा है कंट्रोल क्या होता है। इफ वी हैव राइट टू डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज ऑफ एनी एंटिटी देन वी हैव कंट्रोल। और ये एक्टिविटीज या ये पावर हमारे पास कैसे आती है वो आपने डिटेल में पढ़ा है। कंट्रोल में तीन चीजें होती थी, पावर ओवर द इन्वेस्टी, ठीक है, उसके बाद हैव राइट और एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न विद इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी, हैव एबिलिटी टू अफेक्ट दोज पावर। पावर कैसे आती है, एक तो ये वोटिंग पावर से आ जाती है कि आपने 50% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लिए। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में 50% से ज्यादा शेयर ना भी खरीदे आपने तब भी आपके पास पावर आ जाती है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से कभी कभी पावर आ जाती है। तो पावर कैसे आती है वो सब आप लोग पढ़ चुके हो इंड एस 110 में, अब दोबारा यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल का वही मतलब है जो इंड एस 110 में था। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जब कोई सिंगल एंटिटी कंट्रोल करती है तो फिर वहां पर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप होता है, लेकिन यहां पर रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने का राइट किसी एक पर्सन के पास नहीं है, किसी एक एंटिटी के पास नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के पास होगा, तो यहां पर ज्वाइंट कंट्रोल कहलाएगा। जैसे एक एंटिटी है सी लिमिटेड, उस सी लिमिटेड की रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने का राइट ए के पास भी है, बी के पास भी है, और दोनों के पास ज्वाइंटली है। मतलब ना अकेला ए कंट्रोल कर सकता ना अकेला बी कंट्रोल कर सकता, तो यहां पर हम बोलेंगे कि ज्वाइंट कंट्रोल है। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब होता है जहां पर डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज बीइंग टेकन यूनानिमसली बाय पार्टीज कंट्रोलिंग द एंटिटी। जो पार्टी कंट्रोल कर रही हैं उनके बीच में यूनानिमस कंसेंट होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए, तो वहां पर ज्वाइंट कंट्रोल होता है। मतलब अगर ए और बी दो पार्टी हैं तो ना अकेला ए डिसीजन ले सकता ना अकेला बी डिसीजन ले सकता। ए को डिसीजन लेने के लिए बी की कंसेंट लेना जरूरी है, बी को डिसीजन लेने के लिए ए की कंसेंट लेना जरूरी है, तो इसका मतलब यहां पर ज्वाइंट कंट्रोल है, यहां किसी एक पार्टी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो किसी अरेंजमेंट पर अगर दो या दो से ज्यादा पार्टी का कंट्रोल है दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड ज्वाइंट अरेंजमेंट। तो ये इंड एस तभी अप्लाई होगा जब ज्वाइंट अरेंजमेंट हो। फिर उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट, एक ज्वाइंट वेंचर होता है, एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि भैया ज्वाइंट अरेंजमेंट क्या होती है, कि जब किसी एक्टिविटीज पर किसी अरेंजमेंट पर दो या दो से ज्यादा पार्टी कंट्रोल करती हैं तो वो ज्वाइंट अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अच्छा कंट्रोल, आइए जरा कंट्रोल को डिफाइन करते हैं। कंट्रोल क्या है, ज्वाइंट कंट्रोल यहां लिखेंगे ज्वाइंट कंट्रोल। ज्वाइंट कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल इज कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ एन अरेंजमेंट विच इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिसीजन अबाउट रेलिवेंट एक्टिविटीज रिक्वायर यूनैनिमस कंसेंट
ऑफ पार्टीज शेयरिंग कंट्रोल। लिख लीजिए फिर समझाते हैं इसको, क्या मतलब है इसका। ज्वाइंट कंट्रोल इज कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल दैट इज एग्जिस्ट या विच इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिसीजन अबाउट रेलिवेंट एक्टिविटीज रिक्वायर यूनैनिमस कंसेंट ऑफ पार्टीज शेयरिंग कंट्रोल। अच्छा, इसमें जरा दो बातें हैं, एक तो कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड मतलब ज्वाइंट कंट्रोल होगा ये कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा पार्टी कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब पार्टीज के बीच में आपस में एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन पार्टीज हैं, यानी एक से ज्यादा पार्टी कलेक्टिवली डिसीजन लेने वाले हैं किसी भी रेलिवेंट एक्टिविटीज के बारे में अरेंजमेंट, पहली बात। दूसरा बात, यूनैनिमस कंसेंट। यूनैनिमस कंसेंट, यूनैनिमस कंसेंट का मतलब होता है एक मत। जो पार्टीज कंट्रोल को शेयरिंग कर रहे हैं यानी जो पार्टी का कंट्रोल है अरेंजमेंट के ऊपर, दे रिक्वायर टू टेक डिसीजन यूनैनिमसली, मतलब एक मत से। यूनैनिमस का मतलब होता है कि व्हेन वन पार्टी कैन प्रिवेंट अदर टू टेक डिसीजन। अगर ए और बी दो पार्टी हैं, दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, तो जब ए डिसीजन ले तो उसको बी की जरूरत पड़े, अकेला ए नहीं ले सकता। अगर बी डिसीजन ले तो उसको ए की जरूरत पड़े, ना ए अकेला डिसीजन ले सकता है ना बी अकेला डिसीजन ले सकता है। ए को डिसीजन लेने से बी रोक सकता है, बी को डिसीजन लेने से ए रोक सकता है। तो हम कहेंगे यहां पर रेलिवेंट एक्टिविटीज के डिसीजन के लिए जो कंसेंट चाहिए वो यूनैनिमस कंसेंट चाहिए, जो भी पार्टी कंट्रोल कर रही है उनको। अच्छा, अब सवाल उठता है कि अगर एक अरेंजमेंट में 10 पार्टी हैं तो क्या 10ों कंट्रोल करें? नहीं, ग्रुप ऑफ पार्टीज हो सकती हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा। अब 10 पार्टी हैं उसमें से सिर्फ दो कंट्रोल कर रही हैं, मे बी उसमें से 3 कंट्रोल कर रही हैं, मे बी दे। जरूरी नहीं है कि 10 की 10 पार्टी कंट्रोल करें, मतलब ऑल पार्टीज और ग्रुप ऑफ पार्टीज मस्ट कंट्रोल कलेक्टिवली, यानी कलेक्टिव डिसीजन के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन नहीं करेगा, एक एंटिटी मतलब जो कंट्रोल जो है वो एक पर्सन या एक एंटिटी नहीं करेगी अरेंजमेंट के ऊपर, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, तभी ज्वाइंट कंट्रोल होगा। तो दो बातें होना चाहिए, आपको चेक करना पड़ेगा, यानी जब आप ज्वाइंट कंट्रोल को असिस्ट करोगे कि ज्वाइंट कंट्रोल है या नहीं है, तो दो बातें चेक करनी पड़ेंगी। पहली बात, डज द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट गिव ऑल पार्टीज और ग्रुप ऑफ पार्टीज टू कंट्रोल द अरेंजमेंट कलेक्टिवली, या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जो अरेंजमेंट है उसको कंट्रोल कलेक्टिवली किया जाएगा। कलेक्टिवली का मतलब सब मिलकर, यानी या तो सारी पार्टी मिलकर डिसीजन लेंगे या कुछ पार्टी यानी ग्रुप ऑफ पार्टी, जैसे 10 पार्टी है तो उसमें से 4 लोग डिसीजन लेंगे, 4 लोगों का कंट्रोल है, या 3 लोगों का कंट्रोल है, या 2 लोगों का कंट्रोल है, दो या दो से ज्यादा पार्टी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, डू द डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज रिक्वायर यूनैनिमस कंसेंट ऑफ दोज पार्टी विच आर शेयरिंग कंट्रोल। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये दो बातें लिखी हुई हैं कि यूनैनिमस कंसेंट होनी चाहिए यानी कलेक्टिव डिसीजन और यूनैनिमस कंसेंट, तो समझ लीजिए ज्वाइंट कंट्रोल है और वो अरेंजमेंट ज्वाइंट अरेंजमेंट कहलाएगी। और अगर इनमें से दोनों बातें नहीं है ये, तो फिर दिस इज नॉट ज्वाइंट अरेंजमेंट, दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंड एस 111।
ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या ओरल होगा, रिटिन होगा, इम्प्लाइड होगा, क्या होगा बेटा, कोई कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है पार्टीज के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, कभी कभी इम्प्लाइड भी होता है। यानी पार्टीज के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट, एक मास्टर अरेंजमेंट बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा। यानी डिसीजन लेने के तरीके से इंप्लाइड हो जाता है कभी कभी कि यहां पर ज्वाइंट कंट्रोल है। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। आइए पहले मैं यहां पर ज्वाइंट कंट्रोल की जरा जो बात हो रही है यहां पर असेसमेंट करके बताता हूं। असेसमेंट ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल, असेसमेंट ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल, असेसमेंट ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल। देखो क्या है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा डज कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट गिव्स ऑल पार्टीज और ग्रुप ऑफ पार्टीज टू कंट्रोल द अरेंजमेंट कलेक्टिवली। पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ऐसी है कि सारी पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टीज जो कंट्रोल करेंगी वो कलेक्टिवली करेंगी, कलेक्टिव मतलब एक साथ, और सब पार्टी नहीं, या तो हो सकता है सभी हो या हो सकता है ग्रुप ऑफ पार्टी, यानी 10 पार्टी है तो उसमें से 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग, 5 लोग, जरूरी थोड़ी ना कि सभी करें, ठीक है। तो डज कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट गिव ऑल पार्टीज और ग्रुप ऑफ पार्टीज टू कंट्रोल द अरेंजमेंट कलेक्टिवली। अगर ये यस है, यस, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा डू द डिसीजन अबाउट relevant activities require unanimous consent by parties sharing control। अगर ये भी यस है देन दिस इज ज्वाइंट कंट्रोल एंड सच अरेंजमेंट इज ज्वाइंट अरेंजमेंट। सच अरेंजमेंट इज ज्वाइंट अरेंजमेंट, यानी ये जो अरेंजमेंट होगी फिर ये क्या होगी, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट होगी बेटा। और इंडियस 111 अप्लाई। लो जी इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूं, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूं।
लेकिन अगर नो, ये भी नो, देन नो ज्वाइंट अरेंजमेंट, एंड इंड एस 111 विल नॉट अप्लाई। तो सर फिर इसमें कौन सा इंड एस लगेगा? बट अब देखना पड़ेगा, अगर एक ही पार्टी कंट्रोल कर रही है तो इंड एस 110 लग जाएगा, अगर कोई पार्टी कंट्रोल नहीं कर रही है सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो इंड एस 28 लग जाएगा, ठीक है, और अगर ना ही कंट्रोल है ना ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो फिर तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग होगी, इंड एस 109 लगेगा, ठीक है, इंड एस 109 लगेगा। अच्छा आगे लिखेंगे, जरा एक नोट लिखिए, नोट में लिखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन पार्टीज मे बी ओरल इन राइटिंग और इम्प्लाइड। सर ओरल होता है इतने बड़े लेवल पर? बेटा देखिए होगा तो नहीं, अब बताइए अगर टाटा स्काई है ये एक ज्वाइंट अरेंजमेंट है तो क्या वहां पर एग्रीमेंट नहीं होगा दोनों के बीच में? टाटा एआईजी है क्या उनमें एग्रीमेंट नहीं होगा? मारुति सुजुकी है वो भी ज्वाइंट अरेंजमेंट है तो क्या उनमें एग्रीमेंट नहीं होगा आपस में? ठीक है बजाज केटीएम तो क्या उनमें एग्रीमेंट नहीं होगा? सब में एग्रीमेंट होगा, तो राइटिंग में होगा, कभी कभी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इंप्लाइड होता है कि ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो बेटा एक एग्जांपल देखिए जरा ध्यान से, एक ए बी सी इनके पास एक एंटिटी में 50% 30% और 20% हिस्सेदारी है, ठीक है ये इनका शेयर है। अच्छा डिसीजन अबाउट रेलिवेंट एक्टिविटी आर टेकिंग व्हेन 75% मेजोरिटी अचीव्ड। ये आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है कि रेलिवेंट एक्टिविटीज के बारे में जब आप डिसीजन लोगे तो कम से कम 75% लोग फेवर में होने चाहिए, यानी 75% वोटिंग पावर चाहिए डिसीजन लेने के लिए। अब आप जरा देखिए इस अरेंजमेंट में ए के पास 50% है, बी के पास 30% है, सी के पास 20% है। आप सोचिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक ही जरूरत तो पड़ने वाली है, यानी बिना ए के डिसीजन नहीं हो सकता, तो ए कैन ब्लॉक एनी डिसीजन बट ए कैन नॉट टेक डिसीजन यूनिलेटरली, क्योंकि 75% चाहिए और उसके पास शेयर है 50%, तो ना अकेला ए डिसीजन ले सकता है ना बी ले सकता है ना सी ले सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें से कौन सी वो पार्टी है जो डिसीजन ले सकती है? क्या बी और सी मिलकर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों का मिलकर 50% होता है। क्या ए और सी मिलकर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों का मिलकर 70% होता है। तो बताइए कौन सी दो पार्टी को मिलना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए? ए और बी,
ए एंड बी मस्ट यूनानिमसली एग्रीड टू टेक एनी डिसीजन, देन ओनली डिसीजन विल बी टेकन। ए और बी के बिना डिसीजन हो ही नहीं सकता। तो यहां पर अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि ए एंड बी विल टेक डिसीजन कलेक्टिवली एंड रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ देम, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तब भी बेटा यहां पर इंप्लाइड है कि टू टेक डिसीजन अबाउट रेलिवेंट एक्टिविटीज कंसेंट ऑफ ए एंड बी रिक्वायर्ड, अनलेस एंड अंटिल ए एंड बी आर नॉट एग्रीड यूनानिमसली ऑन एनी मैटर डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। ये इंप्लाइड है यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो तब भी ये इंप्लाइड है। तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इस तरीके का होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ना होते हुए भी ये इंप्लाइड होता है कि ज्वाइंट अरेंजमेंट है, ज्वाइंट कंट्रोल है। ठीक है, तो यहां पर ए अकेला कोई डिसीजन ले नहीं सकता, लेकिन हाँ ए हर डिसीजन को ब्लॉक कर सकता है। अगर बी और सी कोई डिसीजन लेना चाहे मिलकर, तो ए ब्लॉक कर सकता है। ए की बिना मर्जी के कोई डिसीजन नहीं हो सकता, लेकिन ए अकेला भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो ए को अपने साथ बी को लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर किसी भी मैटर पर डिसीजन हो सकता है। ए अगर सी को लाए डिसीजन नहीं होगा, ए को बी को ही लाना पड़ेगा। तो यहां क्लियर है कि ए और बी मस्ट एग्री यूनानिमसली टू टेक डिसीजन अबाउट रेलिवेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में, इन द अबव क्वेश्चन इट इज इंप्लाइड that A and B must agree unanimously to take decision. So it is joint arrangement. इट इज ज्वाइंट अरेंजमेंट, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है भाई। जब एक पार्टी अकेले डिसीजन ले नहीं सकती, उसे दूसरी पार्टी को मिलाना ही पड़ेगा, और दूसरी पार्टी कौन सी होगी ये भी स्पेसिफाइड है, मतलब अपने आप दिख रहा है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ना भी हो, फिर भी यहां पर एक ऐसी एक मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बना हुआ है, डिसीजन मेकिंग के लिए एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है जो कहता है कि 75% वोटिंग पावर चाहिए डिसीजन लेने के लिए, तो ना अकेला ये ले सकता है, ना बी ले सकता है, ना सी ले सकता है, ए और बी ही ले सकते हैं और कोई ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर ज्वाइंट अरेंजमेंट है। अच्छा, मैं यहां पर जरा सवाल भी लिखता हूं, इज अबव अरेंजमेंट इज ज्वाइंट अरेंजमेंट, ये सवाल था। ठीक है, आप लोग भी लिख लो। अच्छा आइए एक और एग्जांपल जरा मैं बताता हूं आपको, उससे और आपको क्लैरिटी आएगी। देखो जी, ए बी और सी तीन पार्टी हैं। ए के पास 50% है, बी के पास 25% है, सी के पास भी 25% है। डिसीजन इज टेकन बाय 75% वोटिंग पावर इज above arrangement is joint arrangement, is above arrangement joint arrangement,
बताओ बेटा, क्या अबव अरेंजमेंट ज्वाइंट अरेंजमेंट है? सोचो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ए और बी दे सकते हैं, ए और सी भी दे सकते हैं। यही तो बात है कि यहां पर ज्वाइंट अरेंजमेंट है या नहीं है। देखो, सबसे पहले कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग तो है, अकेला ए डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि 75% वोटिंग पावर चाहिए डिसीजन लेने के लिए और ए के पास 50% है, तो कलेक्टिव तो होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, क्लियर था कि ए और बी ही डिसीजन ले सकते थे, सी को एक्सक्लूड भी कर दीजिए, सी को एक्सक्लूड भी कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर डिसीजन लेने के लिए मोर देन वन कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर ए और बी मिल जाएं तब भी डिसीजन हो जाएगा और अगर ए और सी मिल जाएं तब भी डिसीजन हो जाएगा। एक बात क्लियर है कि ए कैन ब्लॉक एनी डिसीजन, मतलब ए की बिना मर्जी के कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी ए के साथ में या तो बी मिले या सी मिले तब डिसीजन हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग तो है कि कम से कम दो लोगों को तो मिलना पड़ेगा, तो कलेक्टिव है, एक आदमी नहीं ले सकता। अगर यूनिलेटरल होता, यहां ए अकेला डिसीजन ले सकता होता, तो फिर ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप हो जाता, एक आदमी तो डिसीजन नहीं ले सकता, यानी कम से कम दो को तो मिलना पड़ेगा, चाहे ए और बी मिले चाहे ए और सी मिले। अब सवाल ये उठता है कि विच ऑफ टू पार्टीज मस्ट यूनानिमसली एग्री टू टेक डिसीजन, तो ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है या नहीं? तो बेटा, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट अब तब ही होगी जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ होगा कि विच ऑफ टू पार्टीज रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट टू टेक डिसीजन। सर ये क्या मतलब हुआ? बेटा ये मतलब ये हुआ कि जब डिसीजन लेने के लिए मोर देन वन कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे यहां पर ए और बी वो ले सकते हैं, ए और सी ले सकते हैं, तो यहां कलेक्टिव डिसीजन तो है बट यूनानिमस कंसेंट किस किस की होगी ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में साफ साफ क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए कि ए और बी यूनानिमसली एग्री होने चाहिए या ई और ए और सी यूनानिमसली एग्री होने चाहिए, तभी ये ज्वाइंट अरेंजमेंट होगी। अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में लिखा हुआ नहीं है विच ऑफ टू कॉम्बिनेशन विल हैव ए राइट टू टेक डिसीजन, देन इट इज नॉट ज्वाइंट अरेंजमेंट। मतलब स्पेसिफाई होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ना, क्लियर होना चाहिए कि विच ऑफ टू पार्टीज रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट टू टेक डिसीजन। ऐसे तो फिर सोचते रहोगे ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, तो कौन सी दो पार्टी होंगी ये स्पेसिफाई होना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट नहीं भी था लेकिन फिर भी ये स्पेसिफाई था कि ए और बी ही होंगे जो यूनानिमस डिसीजन लेंगे, बिकॉज अगर ए और सी होते हैं तो डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगा। यहां पर तो ए और बी भी हो सकते हैं, ए और सी भी हो सकते हैं, तो मोर देन वन कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट है, और जहां मोर देन वन कॉम्बिनेशन होता है वहां कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट मस्ट स्पेसिफाई विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टीज मस्ट रिक्वायर टू टेक डिसीजन यूनानिमसली, देन ओनली इट विल बी ए ज्वाइंट अरेंजमेंट, अदरवाइज फिर ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं होगा, फिर सबका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, इंडियस 28 लगाओ उसके हिसाब से अकाउंटिंग कर, ठीक है। देखा तो बेटा ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट देखना पड़ेगा कि किस किस का ज्वाइंट कंट्रोल है। अगर ए और बी लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में तो ए और बी का ज्वाइंट कंट्रोल होगा, फिर सी जो है वो रह जाएगा, वो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, वो अपनी इंड एस 28 लगाकर अकाउंटिंग करेगा। अगर ए और सी लिखा हुआ है तो ए और सी अपने ऊपर क्या लगाएंगे, ए एस इंड एस 111,
फिर बी रह गया, बी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा भाई 20% से ज्यादा है उसका भी शेयर, तो उसके ऊपर इंडेक्स 28 लगेगा। ठीक है, ठीक है सर, आइए तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे इन द गिवन क्वेश्चन ए कैन ब्लॉक एनी डिसीजन बट ए कैन नॉट टेक डिसीजन यूनिलेटरली। ठीक है, यूनिलेटरली वो डिसीजन नहीं ले सकता। सो ए रिक्वायर कंसेंट आइदर ऑफ बी और सी, या तो बी की कंसेंट चाहिए उसे या सी की चाहिए, तभी डिसीजन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब यहां लिखेंगे व्हेन मोर देन वन कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज एग्जिस्ट बाय विच वोटिंग पावर कैन बी अचीव्ड देन इट विल बी ज्वाइंट अरेंजमेंट ओनली व्हेन कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट मस्ट स्पेसिफाई विच कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज रिक्वायर यूनैनिमस कंसेंट टू टेक डिसीजन। इफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट डज नॉट स्पेसिफाई देन इट इज नॉट ज्वाइंट अरेंजमेंट। फिर ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना है। सिर्फ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से नहीं होता, ये भी स्पेसिफाई होना चाहिए विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टी रिक्वायर यूनैनिमस कंसेंट टू टेक डिसीजन। मैंने ऊपर जो आपको दो चीजें बताई हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में ये होना चाहिए कि कलेक्टिव डिसीजन होगा, और उसके बाद सेकंड पार्ट ये भी होना चाहिए कि यूनैनिमस कंसेंट होगी किसकी, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट से इंप्लाइड है, दिख रहा है सामने कि कौन सी दो पार्टी या तीन पार्टी मिले तभी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन कॉम्बिनेशन है, आपके पास ए और सी भी हो सकते हैं, ए और बी भी हो सकते हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट मस्ट स्पेसिफाई वेदर ए और बी रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट और वेदर ए और सी रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
चलिए मैं आपको जरा इस पर कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, यानी ज्वाइंट कंट्रोल के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपको बताना है कि ज्वाइंट कंट्रोल है या नहीं है, या ज्वाइंट अरेंजमेंट है या नहीं। आइए जरा मैं आपको, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, आप देख सकते हो अपनी बुक में या स्क्रीन पर भी देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, टू पार्टीज पी एंड क्यू एग्री इन देयर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू एस्टेब्लिश एन अरेंजमेंट। अच्छा ठीक है, पी एंड क्यू ने डिसाइड किया कि एक अरेंजमेंट हम लोग क्रिएट करना है। ईच हैज 50% ऑफ द वोटिंग राइट। अच्छा, पी के पास भी 50% है, क्यू के पास भी 50% है, ठीक। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई दैट एटलीस्ट 51% ऑफ द वोटिंग राइट आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू रेलिवेंट एक्टिविटीज। डू पी एंड क्यू हैव ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट। सोचो भाई, एक अरेंजमेंट है, उसमें पी के पास 50% शेयर है, क्यू के पास 50% शेयर है। रेलिवेंट एक्टिविटीज के बारे में डिसीजन लेने के लिए 51% मेजोरिटी चाहिए, तो क्या पी अकेला डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या क्यू अकेला ले सकता है? नहीं ले सकता। तो ए पी एंड क्यू मस्ट यूनैनिमसली एग्री टू टेक डिसीजन अबाउट रेलिवेंट एक्टिविटी। तो यहां पर ज्वाइंट अरेंजमेंट है, ये ज्वाइंट कंट्रोल है, ठीक है। अगर स्पेसिफाई ना भी हो कॉन्ट्रैक्ट में कि ए और बी यूनैनिमसली एग्री होने चाहिए, बस इतना हो कि हाँ भाई ए और बी डिसीजन लेंगे, और ये नहीं जरूरी है कि यूनैनिमसली यही एग्री हो, तब भी इंप्लाइड है यहां पर भाई दो पार्टी हैं, दोनों के पास 50% शेयर है, 51% ए के पास, मतलब 50% पी के पास, 50% क्यू के पास, 51% चाहिए डिसीजन लेने के लिए, कहां फिर जो है ए पी और क्यू दोनों मिलेंगे तभी डिसीजन हो पाएगा। तो देखिए पी एंड क्यू हैव इम्प्लिसिटली एग्रीड दैट दे हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट एज ऑल द रेलिवेंट डिसीजन कैन बी मेड ओनली व्हेन बोथ द पी एंड क्यू एग्री। अच्छा देखिए, देर इज एन अरेंजमेंट इन विच राम एंड श्याम ईच हैव 35% ऑफ द वोटिंग राइट इन द अरेंजमेंट विद द रिमेनिंग 30% बींग वाइडली डिस्पर्स। बेटा राम के पास है 35%, श्याम के पास है 35%, बाकी 30% जनरल पब्लिक के पास है, मतलब वाइडली डिस्पर्स है। वाइडली डिस्पर्स का मतलब है कि फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों के पास है। अब बताइए, बहुत सारे लोगों के पास है, फैला हुआ है, तो क्या करें? फैला हुआ है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज रिक्वायर्ड अप्रूवल बाय ए मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग राइट। मेजोरिटी का मतलब वही 51%। डू राम एंड श्याम हैव ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट। क्या राम और श्याम के पास ज्वाइंट कंट्रोल है? तो पहले तो आप ये सोचो, क्या राम एंड श्याम के अलावा अगर कुछ राम के साथ कोई और मिल जाए तो डिसीजन हो सकता है, श्याम के साथ कोई और मिल जाए तो क्या डिसीजन हो सकता है? राम के पास 35% शेयर है, 16% और चाहिए डिसीजन लेने के लिए। तो इन जनरल पब्लिक में से अगर 16% राम के साथ आ जाए तो राम डिसीजन दे सकता है, जनरल पब्लिक में से 16% अगर श्याम के साथ आ जाए तो श्याम भी डिसीजन ले सकता है। तो इसका मतलब क्लियर नहीं है कि राम एंड श्याम का ज्वाइंट कंट्रोल है। राम कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर डिसीजन दे सकता है, श्याम अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर डिसीजन दे सकता है, तो यूनैनिमस कंसेंट राम और श्याम की ही होगी। ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तब तो ये ज्वाइंट कंट्रोल है और ज्वाइंट अरेंजमेंट है, यानी यहां पर मोर देन वन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखो, राम के साथ जनरल पब्लिक मिल जाए तो डिसीजन हो जाएगा, श्याम के साथ जनरल पब्लिक मिल जाए तो भी डिसीजन हो जाएगा,
तो मोर देन वन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं. व्हेन देयर इज मोर देन वन कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट टू टेक डिसीजन देन देयर विल बी ज्वाइंट कंट्रोल और ज्वाइंट अरेंजमेंट ओनली व्हेन इट इज क्लियरली स्पेसिफाई इन कॉन्ट्रैक्ट दैट विच ऑफ द टू पार्टीज रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि राम और श्याम मस्ट टेक यूनानिमस मस्ट हैव यूनानिमस कंसेंट टू टेक डिसीजन देन ओनली राम एंड श्याम विल हैव ए ज्वाइंट कंट्रोल. तो देखिए राम एंड श्याम हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट ओनली इफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट स्पेसिफाइड दैट डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज ऑफ द अरेंजमेंट रिक्वायर बोथ राम एंड श्याम एग्री. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा. अगर मान लीजिए यहां लिखा होता कि 70% चाहिए तो फिर तो राम और श्याम को ही मिलना पड़ता, तभी जाकर डिसीजन हो पाता. राम और जनरल पब्लिक मिल जाती तो 65% होता, श्याम और जनरल पब्लिक मिल जाती तब 65% होता. राम और श्याम मिलेंगे तभी 70% होगा, तभी डिसीजन मेकिंग हो सकती है. तो इसका मतलब इस सिचुएशन में राम और श्याम का ज्वाइंट कंट्रोल होता अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं भी है फिर भी. लेकिन जब मोर देन वन कॉम्बिनेशन होते हैं तो इंप्लाइडली नहीं बोल सकते आप कि राम और श्याम का ज्वाइंट कंट्रोल है. तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्पेसिफाई दैट राम एंड श्याम हैव ज्वाइंट कंट्रोल, दे हैव राइट टू टेक डिसीजन यूनानिमसली. ठीक है. अच्छा, एंड अरेंजमेंट हैज थ्री पार्टीज. ओम हैज 50% ऑफ द वोटिंग राइट इन द अरेंजमेंट एंड जय एंड जगदीश ईच हैव 25%. द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन ओम जय जगदीश स्पेसिफाइड दैट एटलीस्ट 75% ऑफ द वोटिंग राइट आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज ऑफ द अरेंजमेंट. डिस्कस द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल एंड कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द रेलिवेंट एक्टिविटी ऑफ द अरेंजमेंट. तो इसमें भी देखो यही है भाई, क्या है, ओम जय और जगदीश 50% 25% 25%. अगर ओम और जय मिल जाए तब भी हो जाएगा, ओम और जगदीश मिल जाए तब भी हो जाएगा. तो मोर देन वन कॉम्बिनेशन है तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई होना चाहिए. ठीक है, कि विच ऑफ टू पार्टीज रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट टू टेक डिसीजन, तभी ये ज्वाइंट अरेंजमेंट होगा, अदरवाइज ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं होगा. यहां पर ओम कैन ब्लॉक एनी डिसीजन, मतलब ओम के पास 50% शेयर है तो वो किसी भी डिसीजन को ब्लॉक तो कर सकता है, बट अकेले कोई डिसीजन ले भी नहीं सकता क्योंकि 75% चाहिए. इट डज नॉट कंट्रोल द अरेंजमेंट बिकॉज इट नीड द एग्रीमेंट ऑफ आइदर जय और जगदीश, आइदर जय और जगदीश. ओम जय एंड जगदीश कलेक्टिवली कंट्रोल द अरेंजमेंट, हाउएवर देर इज मोर देन वन कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टीज दैट कैन एग्री टू रीच 75% ऑफ द वोटिंग राइट. In such a situation, to be a joint arrangement, the contractual arrangement between parties would need to specify which combination of the parties is required to agree unanimously to take decision about the relevant activities of the arrangement. मतलब contract में आप साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि which of two parties require unanimous consent to take decision, तभी decision हो सकता है. ठीक है, तभी decision हो सकता है. अच्छा, आइए और आगे बढ़ते हैं. ये भी ऐसा ही, इसमें बराबर बराबर की हिस्सेदारी है तो मतलब जो है पढ़ लेना आप लोग. बराबर बराबर की हिस्सेदारी है तो दोनों पार्टी को डिसीजन में आना पड़ेगा, तो ज्वाइंट कंट्रोल है यहां पर. अच्छा, एनएफजी लिमिटेड इज ओन्ड बाई नुमेरियस शेयर होल्डर विद द फॉलोइंग होल्डिंग. एन के पास है 50%, 51%, एफ के पास है 30%, रेस्ट ऑफ द शेयर आर वाइडली हेल्ड बाई अदर इन्वेस्टर अल्टूगेदर 19%. अच्छा, इसके पास एन के पास 51% है, 51% पे तो कंट्रोल आ जाता है. तो देखना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट 51% पर मेजोरिटी वोटिंग पावर, मतलब क्या डिसीजन मेकिंग 51% पर होती है या नहीं, ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा. तो एन के पास 51% है, एफ के पास 30% है और इनके पास 19% है.
एनएफजी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्स 75% मेजोरिटी टू अप्रूव डिसीजन अबाउट एनी ऑफ द एंटिटीज रेलिवेंट एक्टिविटीज। लो जी 75% वोटिंग पावर चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इसका मतलब एन के पास कंट्रोल नहीं है, तो या तो एफ मिले या फिर और लोग मिले, देखते हैं अभी। दे ऑल्सो आउटलाइन दैट ई शेयर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू वोट इन प्रोपोर्शन टू इट्स रिस्पेक्टिव ऑनरशिप इंटरेस्ट इज एन एफ जी लिमिटेड ज्वाइंटली कंट्रोल। यस ज्वाइंटली कंट्रोल है किसके द्वारा, एन प्लस एफ, ये दोनों मिले तब 81% होता है, यानी मोर देन 75%। अगर एन और अदर लोग मिल जाते हैं तो ये 70% होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ना भी हो कि विच ऑफ टू पार्टीज यूनैनिमसली एग्री टू टेक डिसीजन, तो यहां पर इंप्लाइड है कि एन और एफ मिलेंगे तभी जाकर यूनैनिमस कंसेंट होगी, अदरवाइज होगी नहीं। अगर एन और जनरल पब्लिक मिले तो 70% होता है, एफ और जनरल पब्लिक मिले तो ये तो 49% ही होता है, तो ये तो डिसीजन हो ही नहीं सकता। तो एन और एफ मिलेंगे तभी 75% क्रॉस करेगा, तो यहां पर ज्वाइंट कंट्रोल है। तो देखिए एन एफ जी लिमिटेड इज ज्वाइंटली कंट्रोल एन एन एफ के द्वारा, बेस्ड ऑन देयर ओनरशिप इंटरेस्ट दे मस्ट एक्ट टूगेदर टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग एन एफ जी लिमिटेड रेलिवेंट एक्टिविटी। शेयर होल्डर एन डज नॉट कंट्रोल एन एफ जी लिमिटेड एज इट कैन नॉट यूनिलेटरली मेक डिसीजन बिकॉज 75% मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहां पर बेटा वही 50-50% शेयर है तो फिर जो है दोनों कंट्रोल करेंगे। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हरी एंड राम इंटर इनटू ए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू बाई ए टू स्टोरीड म्यूजिक स्टोर, ठीक है, विच दे विल लीज आउट टू अदर पार्टीज। हरी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीजिंग फर्स्ट फ्लोर एंड राम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीजिंग सेकेंड फ्लोर, ठीक है। दे कैन मेक ऑल डिसीजन रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव फ्लोर एंड कीप ऑल द इनकम विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्लोर। अच्छा, हरी जो है फर्स्ट फ्लोर के लिए जिम्मेदार है, राम जो है सेकंड फ्लोर के लिए जिम्मेदार है, और अपने उस फ्लोर के बारे में वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, जो भी इनकम आएगी वही रखेंगे। ग्राउंड फ्लोर विल बी ज्वाइंटली मैनेज्ड, ऑल डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्लोर मस्ट बी यूनानिमसली एग्रीड बिटवीन हरी एंड राम, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस 111। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इंडियस 111 लगेगा, वहां पर ज्वाइंटली कंट्रोल अरेंजमेंट है, ठीक है, ज्वाइंटली कंट्रोल है अरेंजमेंट, तो इसलिए वहां पर लगेगा। तो देखिए फर्स्ट फ्लोर दैट हरी कंट्रोल एंड हेंस विल नॉट बी अकाउंटेड अंडर इंडियस 111। सेकंड फ्लोर राम कंट्रोल, राम कंट्रोल दस विल नॉट बी अकाउंटेड। ग्राउंड फ्लोर दैट हरी एंड राम ज्वाइंटली कंट्रोल इज ए ज्वाइंट अरेंजमेंट, ठीक है, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट। अच्छा देखो, कंपनी ए बी एंड कंपनी सी डी इंटर इनटू ए एग्रीमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गारमेंट, ठीक है। इन द इंडस्ट्री देर आर थ्री एक्टिविटीज दैट विल सिग्निफिकेंटली मेक इम्पैक्ट ऑन द रिटर्न ऑफ द अरेंजमेंट। अच्छा, आपको पता है बेटा रेलिवेंट एक्टिविटीज का मतलब, ये हमने इंडियस 110 में पढ़ा था। रेलिवेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न ऑफ द एंटिटी, ठीक है। तो यहां पर इनकी तीन एक्टिविटी हैं जो इंपैक्ट करती हैं रिटर्न को सिग्निफिकेंटली। प्रोडक्शन ऑफ द गारमेंट, जो कंपनी ए बी मेक्स ऑल द डिसीजन। सेल एंड मार्केटिंग, कंपनी सी डी मेक्स ऑल डिसीजन और बोथ कंपनीज मस्ट अप्रूव ऑल फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर। डिस्कस वेदर कंपनी ए बी एंड सी डी हैव ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट। तो आपको पहचानना पड़ेगा इन तीन एक्टिविटीज में से रेलिवेंट एक्टिविटीज कौन सी है। मतलब अगर सारी एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली रिटर्न को इंपैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं, तो मोस्ट सिग्निफिकेंटली कौन सी एक्टिविटी है जो इंपैक्ट करती है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑन ईच केस, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस, ठीक है। तो यहां पर मेरे ख्याल से
अगर ये वाली को आप रेलिवेंट एक्टिविटी मानते हो तो ए भी कंट्रोल करता है, इसको आप रेलिवेंट एक्टिविटी मानते हो तो सी डी करता है, इसको आप मानते हो तो दोनों करते हैं, तो ज्वाइंट कंट्रोल है। ठीक, तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि प्रोडक्शन हो या सेल हो वो फाइनेंस के बिना तो हो नहीं सकता। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसी है जो सबको कंट्रोल करती है, एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज विच इम्पैक्ट और अफेक्ट द रिटर्न ऑफ एन एंटिटी, फाइनेंशियल मैटर, और इसको दोनों कंट्रोल करते हैं। जब दोनों कंट्रोल करते हैं तो ये ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी है, ज्वाइंट अरेंजमेंट है। फाइनेंस को मैंने क्यों लिया, देखो फाइनेंस जब तक अप्रूव नहीं होगा तो प्रोडक्शन पर भी अफेक्ट पड़ेगा, फाइनेंस जब तक अप्रूव नहीं होगा तो सेल और मार्केटिंग पर भी पड़ेगा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंस है। तो देखिए, इन फर्स्ट टू मैटर यूनैनिमस कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज पार्टीज आर वर्किंग देयर अप्रूव्ड बजट एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, दस द पार्टीज हैव लिबर्टी टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हेयर द पार्टीज हैव टू एग्जामिन विच ऑफ दी थ्री एक्टिविटीज मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न ऑफ द अरेंजमेंट। इफ एनी ऑफ द फर्स्ट टू एक्टिविटीज डिटरमिन द प्रॉफिट ऑफ द अरेंजमेंट सिग्निफिकेंटली, देयर इज नो ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट। हाउ एवर देयर मे बी द केस वेयर फाइनेंशियल पॉलिसीज मेजरली इम्पैक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर टू एक्टिविटीज एंड हैंस डिटरमिन द प्रॉफिट ऑफ द अरेंजमेंट। सिंस यूनैनिमस कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल पॉलिसीज, मैनेजमेंट मे कंक्लूड दैट देयर इज ज्वाइंट कंट्रोल। ज्वाइंट कंट्रोल है, फाइनेंस के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और फाइनेंशियल मैटर को दोनों कंट्रोल करते हैं, तो यहां ज्वाइंट अरेंजमेंट है, ज्वाइंट कंट्रोल है। अच्छा, सी डी ई एफ लिमिटेड इज ए स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन बिटवीन इन्वेस्टर सी डी ई एफ टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट सर्विसेज। सी डी ई एफ लिमिटेड इज एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी एंड द इन्वेस्टर शेयर ओनरशिप 20-30-25-25। अच्छा, देर इज ए फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन प्लेस दैट रिक्वायर ए वोटिंग मेजोरिटी ऑन ऑल द रेलिवेंट एक्टिविटीज। अच्छा ठीक है, इन्वेस्टर सी डी ई हैव यू इनफॉर्मली एग्रीड टू वोट टूगेदर। अच्छा, सी सी के पास कितना है 20%, फिर डी डी के पास कितना है 30%, और ई ई के पास कितना है 25%, तो तीनों मिलाकर 75% होता है। तो कहते हैं कि ये तीनों मिलकर, कोई एग्रीमेंट तो नहीं है लेकिन ये तीनों एक साथ वोटिंग करते हैं, तो एक साथ वोटिंग करते हैं तो फिर तो ये सारे डिसीजन ले जाते होंगे, सारे डिसीजन ले जाते होंगे। द इनफॉर्मल एग्रीमेंट हैज बीन इफेक्टिव इन प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस में ऐसा है भी, लिखा हुआ भले ही ना हो लेकिन ये हमेशा तीनों एक साथ वोटिंग करते हैं और ये कंसिस्टेंटली हो रहा है, प्रैक्टिस में है, तो ज्वाइंट कंट्रोल है। इसमें सोचना क्या है, तो जो एक बच्चा उसके पास 25% शेयर है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, ये तीनों ज्वाइंटली कंट्रोल करते होंगे। ठीक, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है। तो ये था हमारा ज्वाइंट कंट्रोल और ज्वाइंट अरेंजमेंट को हमने आइडेंटिफाई किया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी ज्वाइंट ऑपरेशन और ज्वाइंट वेंचर, मतलब ज्वाइंट अरेंजमेंट कितने टाइप की।